हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रणवीर इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लासेज। देखिए इंग्लिश में डेली यूज होने वाले वर्ड हम देख रहे हैं और आज मैं आपको टाइम से रिलेटेड वर्ड, सीजन से रिलेटेड वर्ड, डे से रिलेटेड वर्ड एंड मंथ से रिलेटेड वर्ड बताऊंगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम रिलेटेड वर्ड सबसे पहले देखिए। टाइम की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। सेकंड मिस होता है सेकंड। मिनट, मिनट मिस होता है मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपको पता ही होगा। आवर, आवर मिस होता है घंटा। डान, डान मिस होता है भोर या उषा काल। मॉर्निंग, मॉर्निंग मिस होता है सुबह। सनराइज, सनराइज मिस होता है सूर्योदय। नून, नून मिस होता है दोपहर। फोर नून मिस होता है दोपहर से पहले। इसे आप एएम भी बोल सकते हो। एएम का फुल फॉर्म एंटे मेरिडियन होता है। एंटे मेरिडियन का प्रयोग रात के 12 बजे के बाद दिन 12 बजे तक के लिए। आफ्टरनून, आफ्टरनून मिस होता है दोपहर के बाद, या आप पीएम बोल सकते हो। पीएम मिस होता है दोपहर के बाद। पीएम का फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियन होता है। पीएम का प्रयोग दिन के 12 बजे के बाद से रात 12 बजे तक के लिए। मिड डे, मिड डे मिस होता है मध्य दिन। इवनिंग, इवनिंग मिस होता है शाम। सनसेट, सनसेट मिस होता है सूर्यास्त। डस्क, डस्क मिस होता है गोधूली। नाइट, नाइट मिस होता है रात। मिड नाइट, मिड नाइट मिस होता है मध्य रात्रि। टूडे, टूडे मिस होता है आज। टू नाइट, टू नाइट मिस होता है आज की रात। डे, डे मिस होता है दिन। टुमारो, टुमारो मिस होता है कल, आने वाला। एस्टरडे, एस्टरडे माने होता है कल, बीता हुआ। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मिस होता है परसों, आने वाला। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सारा डाउट आपका दूर हो जाए। डे बिफोर एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे मिस होता है परसों, बीता हुआ। टू डेज आफ्टर टुमारो मिस नर्सों, आने वाला। कई जगह इसको तरसों भी बोलते हैं। टू डेज बिफोर एस्टरडे मिस होता है नर्सों, बीता हुआ। वीक, वीक मिस होता है सप्ताह। सप्ताह को हफ्ता भी बोलते हैं। वीकली, वीकली मिस होता है साप्ताहिक। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मिस होता है दो सप्ताह या पखवाड़ा या 15 दिन। मंथ, मंथ मिस होता है महीना। महीना 28 दिन या 29 दिन या 30 दिन या 31 दिन के होते हैं और इसका औसत महीना 30 दिन का होता है। मंथली, मंथली मिस होता है मासिक। क्वार्टरली, क्वार्टरली मिस होता है त्रिमासिक या तिमाही। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मिस होता है अर्धवार्षिक। ईयर, ईयर मिस होता है साल या वर्ष। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और जब लीप वर्ष होता है तो उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ईयरली, ईयरली मिस होता है वार्षिक। एज, एज मिस होता है युग और इसे आयु भी कहते हैं।
इरा, इरा मिस होता है युग। इतिहास के युग को इंग्लिश में इरा कहते हैं। डिकेड, डिकेड मिस होता है दशक या दस वर्षों का समय। सेंचुरी, सेंचुरी मिस होता है शताब्दी या शतक। नेक्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह के दिन को भी जान लीजिए। चलिए हम इसे उच्चारण सहित आपको बताते हैं। संडे मिस होता है रविवार। मंडे, मंडे मिस होता है सोमवार। ट्यूजडे, ट्यूजडे मिस होता है मंगलवार। वेनेजडे, वेनेजडे मिस होता है बुधवार। कई लोग इसे वेडनेसडे भी बोलते हैं। वेडनेसडे मिस होता है बुधवार। नेक्स्ट थर्सडे, थर्सडे मिस होता है गुरुवार। फ्राइडे, फ्राइडे मिस होता है शुक्रवार। सैटरडे, सैटरडे मिस होता है शनिवार। नेक्स्ट द ईयर ऑफ मंथ्स, साल के महीनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी जान लीजिए। जनवरी, जनवरी मिस होता है जनवरी। जनवरी इसे पढ़ते हैं जनवरी, इसका हिंदी अर्थ होता है। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी मिस होता है फरवरी। मार्च मिस होता है मार्च। अप्रैल, अप्रैल मिस होता है अप्रैल। मई, मिस होता है मई। जून, जून मिस होता है जून। जुलाई, जुलाई मिस होता है जुलाई। अगस्त, अगस्त मिस होता है अगस्त। सितंबर, सितंबर मिस होता है सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर मिस होता है अक्टूबर। नवंबर, नवंबर मिस होता है नवंबर। दिसंबर, दिसंबर मिस होता है दिसंबर। नेक्स्ट नेम ऑफ सीजन्स, ऋतुओं के नाम इंग्लिश में। विंटर, विंटर मिस होता है शरद ऋतु या जाड़ा, या इसे शीत ऋतु भी कहते हैं। समर, समर मिस होता है ग्रीष्म काल, या इसे गर्मी भी बोलते हैं। रेनी सीजन, रेनी सीजन मिस होता है वर्षा ऋतु। ऑटम मिस होता है पतझड़, यन साइलेंट है। स्प्रिंग, स्प्रिंग मिस होता है बसंत ऋतु। भारत में पांच ऋतुएं पाई जाती हैं। इन पांचों ऋतुओं को इंग्लिश में आप जान चुके हैं। यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको इससे बेहतर वीडियो बनाते रहें। इसका अगला पार्ट जल्द लेकर आएंगे। सभी मित्रों को थैंक्स।